हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर फ्रिक्शन ख़त्म कर लिया है। तो लेट अस डू एक्सरसाइजेस। फ्रिक्शन अपोजेस डैश बिटवीन द सर्फेसिज इन द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। मोशन आपका जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाता है ना। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सर्फेसिस, रफनेस ऑफ द सर्फेस। जितना रफ होगा सर्फेस, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन टफ बना देगा आपकी चीज़ को मूव करने के लिए। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन आपका क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। जब भी दोनों हाथ को रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर इन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपका आराम से सिक्का जो भी आप फेंकते हो वो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है, क्योंकि आपने एक चीज़ को पहले स्लाइड करा तो आप फिर से स्लाइड कर रहे हैं, तो उसके जो स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में आप रेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको ही स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें जो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट आर द गिवन बिलो। रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग, रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। तो सबसे सही कौन सा डियर स्टूडेंट? आपका स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अलीडा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। ड्राई मार्बल फ्लोर है, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be increasing order, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, wet marble floor, dry marble floor, newspaper and towel। तो इसका आपका कौन सा सही होगा डियर स्टूडेंट? देखो, पहले में ही मेरे को करेक्ट मिल गया। वेट मार्बल फ्लोर में क्या होगा डियर स्टूडेंट? आपका जो है टॉय कार, वो बहुत ही स्मूथ चलेगी, क्योंकि आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है ना। ड्राई मार्बल फ्लोर आपका पूरा ड्राई है सरफेस, उसमें भी आपका चलेगी कार, लेकिन इतनी अच्छी नहीं चलेगी जितनी अच्छी वेट में चल रही थी। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर के आते हैं, न्यूज़पेपर का सरफेस तो रफ़ हो गया, तो उसमें भी कार इतनी अच्छी नहीं चली। उसके बाद टॉवल तो भाई बहुत ही रफ़ हो गया है ना, तो उसमें तो कार बहुत ही कम चलेगी और फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसने कहा था कि सबसे कम फ्रिक्शन किस में है? कम फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन तक लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। आपकी थोड़ी टिल्टेड है राइटिंग डेस्क, ठीक है। अब बुक इज केप्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, वो स्लाइड कर रही है नीचे को। शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द अपोजिट ऑफ द मोशन। अगर वो इधर को जा रही है, वो नीचे को गिर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही ऐड करेगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाई रखा है, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आपने गलती से सोपी वाटर, यानी कि साबुन वाला पानी नहीं होता, वो गलती से मार्बल फ्लोर में गिरा दिया। What would it make easier or more difficult for you to walk on the floor? Difficult बनाएगा ना, हमारे की फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना। इट वुड फ्रिक्शन है, लेकिन कम है, कम हो गया फ्रिक्शन, क्योंकि आपने सोपी वाटर गिरा दिया, ठीक है। फ्रिक्शन तो होगा ही हर जगह, लेकिन वो कम है इस समय। इट वुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटीज़। आपको जैसे कि पता है, फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, कम इरेगुलरिटीज़ इसका मतलब कम फ्रिक्शन। डज रिड्यूस द फ्रिक्शन कॉन्सिडरेबली, फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप विद द फ्लोर सरफेस। ग्रिप नहीं बना पाते हैं आपके जो फीट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि आप गिर जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, ताकि उसकी ग्रिप बन सके। वो चाहते हैं कि भाई उसका फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो, एंड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इट अवॉइड्स स्लिपिंग ऑफ द स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। इससे जो होता है, आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर गिरते नहीं हैं। आपने क्रिकेट में भी ऐसा देखा होगा,
Next is yesterday question number 7, which is a cubel has to pull a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will apply larger force and why? Who will have to apply larger force and why? तो देखो इकबाल जो है इकबाल उसको क्या पुश करना है, उसको एक लाइटर बॉक्स पुश करना है और सीमा को उसी की तरह सिमिलर हैवियर बॉक्स पुश करना है। तो ऑब्वियसली जो सीमा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। जितना ज़्यादा हैवियर उतना ज़्यादा वो फ्रिक्शन। हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर सरफेस एज कम्पेयर टू द लाइटर फोर्स, देयरफॉर विल एक्सपीरियंस अ मोर अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा हैवियर है आप उसे खिसका रहे हो, वहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहाँ से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। और जो सीमा है सीमा को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इकबाल का तो लाइटर बॉक्स है, ठीक है। Explain why the sliding friction is less than the static friction. भाई sliding friction में हो क्या रहा है? Sliding friction में dear student आपका friction already motion में है, लेकिन आप उसे फिर से slide कर रहे हो तो उसकी speed तो बढ़ेगी। लेकिन static friction की अगर बात करें, कोई object rest में है आप उसे start कर रहे हो तो आपको थोड़ा time लगेगा ताकि उसे motion में ला सको, है ना। When a object are at rest, the interlocking of irregularities in two surfaces of object is higher than that of when objects are moving. When objects are moving, there is less interaction between their surface. That is why sliding friction is less than the static friction. इसी वजह से sliding friction में क्या होता है, आपका friction less हो जाता है क्योंकि वो already motion में, फिर आपने slide कर दिया फिर motion आ गया, है ना। लेकिन static friction में आप एक बार start कर रहे हो, आपको time लगा तो इसलिए आपका जो force of friction होगी वो ज़्यादा होगी। Next है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज गिव एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फू। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है और एनिमी है, पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फू। अब वो फ्रेंड किस लिए, किसके लिए? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट। फ्रिक्शनल फोर्स होती है इसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं तो भाई हम गिर जाएंगे ना। जैसे सोपी वाटर कभी गिरा होता है तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उससे हमारा जो पैर होता है हमारे पैर में ग्रिप नहीं बन पाती है ना ज़मीन के साथ, और हम फिसलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पेन एंड द पेपर सरफेस। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग जो है बॉल का जो पॉइंट होता है और जो पेपर का सरफेस होता है वहाँ पे लिख पाते हैं आपका जो पेन होती है उससे। उसके बाद नेल्स एंड स्क्रू स्टिक टू द वॉल सरफेसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो नेल्स और स्क्रूज होते हैं वो भी आपके वॉल में क्यों स्टिक होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। लाइटिंग अ मैचस्टिक इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैचस्टिक एंड साइड। जब आप मैचस्टिक को रगड़ते हो तभी तो आपको उसमें वो मिलती है फ्लेम टाइप की, है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपका उसमें भी एक्ट कर रहा है। और जब आपको कभी भी ठंडा लगता है तो आप अपने हाथ को भी रब कर दो ताकि आपको हीट है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एक्ट एज अ फ्लो। फ्रिक्शन फ्लो कैसे हो गया? वेयर एंड टीयर ऑफ आर सोल्स ऑफ आर शूज इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा जो सोल्स होते हैं जो शूज के वो ज़्यादातर टूट जाते हैं। व्हेन अ टायर डिफ्लेट्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव द व्हीकल बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जब आपका टायर जो है डियर स्टूडेंट पिचक जाता है तब भी आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है व्हीकल को पुश करने के लिए, क्योंकि आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मशीन गेट्स हीटेड अब बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। मशीन जो है हीट हो जाती है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। ड्यू टू द फ्रिक्शन मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रिक्शन की वजह से ही मशीन्स और जो व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा फ्यूल लगता है और इसकी वजह से क्या होता है वो हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये रीज़न है जिसकी वजह से फ्रिक्शन हमारा एनिमी भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स हैव स्पेशल शेप्स। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। टू ओवरकम और मिनिमाइज द एयर फ्लूइड फ्रिक्शन द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिमाइज इट्स सरफेस दैट समटाइम्स स्फेरिकल शेप्स और अदर स्ट्रीम लाइन शेप्स विथ स्मूथ सरफेसेस एरोप्लेन जेट रेन ड्रॉप्स
हैव स्ट्रीम लाइन कर्व सरफेस टू रिड्यूस एयर ड्रैग. एयर ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस होता है तो आपकी गाड़ी ज़्यादा इफिशियंटली चल पाती है. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन आंसर भी फ्रिक्शन के कंप्लीट कर लिए. आपको फ्रिक्शन वाला चैप्टर मज़ा आया कि नहीं आया, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.